इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। चंद्रमा की धरती से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद एक बार फिर से खुल चुकी है। हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगातार कई दिनों से चंद्रयान 3 से संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे और आज इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई। चंद्रयान 3 एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर उठ खड़ा हुआ है। नींद खुलते ही प्रज्ञान रोवर ने सबसे पहले चंद्रमा की अंधेरी रात में सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को भेज दिया है। वो कौन सी आवाज है आगे आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया था और इसी के साथ हमारा देश चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। चंद्रमा की धरती पर लैंड करते ही चंद्रयान 3 ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जो आज तक दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी। चंद्रमा पर जाते ही सबसे पहले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को छाप दिया। चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 ने एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो लाखों वर्षों तक नहीं मिटने वाली है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर बहुत से खोजों को अंजाम दिए, जिसमें चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर पता लगाया गया। साथ ही चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित ऐसे कई तत्वों को खोज निकाला गया है जो चंद्रमा को और गहराई से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सल्फर और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को खोज निकाला है। इसके साथ ही चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का भी पता लगाया है, जो हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 14 दिनों तक रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर ठीक से धूप नहीं पड़ रही थी, जिसके चलते प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से 12 दिनों तक ही काम लिया गया। इसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को फुल चार्ज करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था। हम सभी भारतवासी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जब चंद्रमा पर 14 दिन बाद फिर से सूर्य का उदय होगा तो हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर चलने लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब हम सभी भारतवासियों का इंतजार खत्म हो चुका है। चंद्रमा की काली रात समाप्त हो चुकी है, चंद्रमा पर सूर्य का उदय हो चुका है और हमारे वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 3 से संपर्क साधने में लगे हैं। चंद्रमा पर 19 सितंबर को ही सूर्य उदय हो गया था। इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने 2-3 दिन का इंतजार किया, जिससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाए। चंद्रमा पर दोबारा उजाला होने के बाद पहली बार 22 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के रिसीवर को सिग्नल भेजा था, लेकिन विक्रम लैंडर के रिसीवर ने इस सिग्नल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अगले दिन फिर से चंद्रयान को सिग्नल भेजा, लेकिन अगले दिन भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कोई रिस्पांस नहीं किया। ऐसे ही कई दिनों तक हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजते रहे, लेकिन उधर से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में सबको लगने लगा था कि हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब कभी भी नहीं उठेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि चंद्रमा के कड़ाके की ठंड में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगी बैटरियां खराब हो चुकी होगी, जिसके चलते अब वह चार्ज नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। पहले जब चंद्रयान 3 को इसरो के स्पेस सेंटर से सिग्नल भेजा जाता था तो चंद्रयान की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता था, लेकिन आपको बता दें कि अब हमारा चंद्रयान रिस्पांस करने लगा है। चंद्रयान 3 अब हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करके चंद्रमा की धरती से सिग्नल को भेज रहा है, लेकिन अभी चंद्रयान द्वारा भेजा गया सिग्नल बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का है, जिसके चलते प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से अभी संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है और जल्द ही इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से दोबारा संपर्क में जुड़ जाएंगे। कल इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने संसद टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी सही सलामत है और उनके दोबारा से उठने की पूरी उम्मीद है।
किया है, टेस्ट किया है हमारे लैबोरेटरी में, इससे हम वापस मिला के फिर काम करने का ताकत है। इसरो के चीफ ने यह भी बताया कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड को भी झेल सकता है। इसे -200 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने के लिए भी टेस्ट किया गया है। ज्ञान को क्या -200 डिग्री के लिए मतलब टेस्ट किया गया था? टेस्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा पर इस समय बहुत ही कड़ाके की धूप है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जिसके चलते हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सारे उपकरण एक्टिवेट हो चुके होंगे और अच्छे से कार्य करने लगे होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ सिग्नल को भेजने में आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी विक्रम लैंडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते उसका रिसीवर इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक इसे ठीक करने में जुटे हैं और उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक इसे जल्द ही ठीक कर लेंगे। इसरो की सहयोगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी हमारे चंद्रयान 3 को लगातार सिग्नल भेज रही है। अभी तक इसके हाथ भी कोई सफलता नहीं लगी है। उम्मीद तो यही है कि प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठेगा और चंद्रमा की धरती पर चलकर आगे के रिसर्च को अंजाम देगा। अगर हमारा चंद्रयान 3 किसी कारण बस दोबारा से नहीं उठ पाता है, तो भी वह चंद्रमा की धरती पर इतिहास रच चुका है और हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर चुका है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर लैंड किया है, वह बेहद ही रहस्य से भरा पड़ा है। वहां पर ऐसे ऐसे रहस्य है जिसके बारे में आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी पता नहीं लगा पाई है, क्योंकि आज तक चंद्रमा के साउथ पोल पर दुनिया का कोई भी देश गया ही नहीं था। भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जा चुका है और हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को रिकॉर्ड किया है। चलिए अब चंद्रयान द्वारा भेजे गए उस रहस्यमय आवाज को सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। यह रही हमारे चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई भयानक आवाज।